हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अगला प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये प्रॉब्लम ऑलरेडी ग्रुप पे भेजा है, तो अभी सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स अवेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 दिया है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग बैलेंस शीट। उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बिजनेस को बंद करना ये बैलेंस शीट के बेसिस पे। अभी बैलेंस शीट में दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाद में लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ प्रीमाइसेस, मतलब लोन लिया है मॉर्गेज गिरवी रख के, प्रीमाइसेस गिरवी रख के लोन लिया है, मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना। उसके बाद पार्टनर्स लोन ए का, फिर जनरल रिजर्व पार्टनर्स लोगों में डिवाइड करना है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल दिया है ए बी और सी का। उसके बाद एसेट साइड में प्रीमाइसेस सन्ड्री डेटर्स स्टॉक और कैश, अभी एडजस्टमेंट द एसेट्स वेर रियलाइज पीसमील एज फॉलोज। तो एसेट्स का पेमेंट अपने को कैसा मिला है वो दिया है। सबसे पहला जून 2013 में 5,000 रिसीव्ड आफ्टर मीटिंग इन फुल मॉर्गेज लोन, अपने को 5,000 मिला है और ये मॉर्गेज लोन पे करने के बाद बाकी का अमाउंट है। उसके बाद जुलाई 2013 में डेटर्स का 15,000, स्टॉक का 10,000 मिला है। फिर अगस्त 2013 डेटर्स का 20,000, स्टॉक का 25,000। फिर सितंबर 2013 डेटर्स का 17,000, स्टॉक का 23,000, ये फाइनल है। फिर रिमेनिंग स्टॉक वेयर टेकन ओवर बाय बी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹2,000। तो ये 3,000 अपने को लास्ट रियलाइजेशन में ऐड करना है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स वेयर सेटल फॉर ₹4,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का 4,000 ही लेना है अपने को। द पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट कैश एज एंड व्हेन रियलाइज। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे जैसे कैश आएगा वैसे अपने को पार्टनर्स लोगों में कैश डिवाइड करना है। तो सबसे पहला हम लोग एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट बनाते हैं। अभी एक्सेस कैपिटल में तीन पार्टनर से ए बी और सी सबसे पहले बॉर्डर बनाते हैं। तो बॉर्डर बना के हो गया, अभी रूलिंग करते हैं। अभी रूलिंग करके हो गया, सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल 50,000, 40,000, 23,000। उसके बाद जनरल रिजर्व रेशियो में डिवाइड करते हैं। अभी 10,000 है, 2:1:1 में डिवाइड करना है। तो ए को 5,000 मिलेगा, बी को 2,500 मिलेगा, सी को 2,500 मिलेगा, ऐड करके एडजस्टेड कैपिटल।
एडजस्टेड कैपिटल ए का 55,000, बी का 42,500, सी का 25,500, तो ये एडजस्टेड कैपिटल आ गया। इनको क्लोज करते हैं, उसके बाद इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1 और 1 है, इससे डिवाइड करके यूनिट वैल्यू मिलेगा। यूनिट वैल्यू सबसे पहले ए का 55,000 को 2 से डिवाइड करते हैं 27,500, फिर बी का 42,500 को 1 से डिवाइड करके 42,500, और सी का 25,500 को 1 से डिवाइड करके 25,500, ये यूनिट वैल्यू मिल गया। इसको क्लोज करते हैं। अभी सी का 25,500 सबसे छोटा है, उसको बेस मानेंगे, इसको राउंड करते हैं, अभी यूनिट वैल्यू निकालने के बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए हम लोग सी के यूनिट वैल्यू को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल इक्वल टू सी यूनिट वैल्यू इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी सबसे पहला सी का आएगा 25,500 इंटू 1, 25,500, फिर बी का आएगा 25,500 इंटू 1, 25,500, और ए का 25,500 इंटू 2। अभी ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाला, इसको एडजस्टेड कैपिटल से माइनस करना है। एडजस्टेड कैपिटल से माइनस करके एक्सेस कैपिटल मिलेगा। एक्सेस कैपिटल पहला 55,000 में से 51,000 माइनस किया 4,000, फिर 42,500 में से 25,500 माइनस किया 17,000, और फिर इधर नील आएगा। अभी फिर से ये स्टेप रिपीट करना है। एक्सेस कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे 2 और 1 से, तो इधर यूनिट वैल्यू आएगा। अभी 4,000 को 2 से डिवाइड करके 2,000, 17,000 को 1 से डिवाइड करके 17,000, तो इधर अभी ए का यूनिट वैल्यू छोटा है। अभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगा, ए के यूनिट वैल्यू को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। ए यूनिट वैल्यू इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 2,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4,000 आएगा, 2,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 आएगा। अभी माइनस करके अपने को मिलेगा एब्सोल्यूट या अल्टीमेट एक्सेस।
अब ये हम लोग जो एक्सेस कैपिटल निकालते हैं, सबसे पहला एडजस्टेड कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस किया था, उसके बाद एक्सेस कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल को माइनस किया, फिर इधर एब्सोल्यूट एक्सेस आएगा नील और इधर आएगा 15,000, इसको क्लोज करते हैं और इधर भी लास्ट में क्लोज करेंगे। तो ये एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट अपना हो गया। इसके बाद अभी हम लोग ऑर्डर ऑफ पेमेंट करते हैं पूरा। अभी सबसे पहला हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे करेंगे। सबसे पहले लाइबिलिटीज में अभी हम लोग ने जितना पे किया है उतना ही लेने का है। फर्स्ट पेड टू क्रेडिटर्स, अभी क्रेडिटर्स को हम लोगों ने 4,000 पे किया है, तो जितना पे किया है उतना ही लेने का। बाद में ए का लोन 15,000 पे किया है। नेक्स्ट पे टू ए फॉर लोन 15,000। उसके बाद लाइबिलिटीज अपना सेटल हो गया। फिर हम लोग कैपिटल सेटल करेंगे। कैपिटल में सबसे पहला बी को 15,000 पे करना है। फर्स्ट पे टू बी रुपीज 15,000। बाद में अपने को 4 और 2 6,000 ए और बी को पे करना है। नेक्स्ट पे टू ए एंड बी रुपीज 6,000 इन 2:1 2:1 में पे करना है। और ये 2,000 कैसे आया है, 4,000 में 2,000 ऐड करके। उसके बाद बैलेंस जो बचेगा वो रेशियो में सब में डिवाइड करना है। बैलेंस इफ एनी विल बी पेड टू ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो ये अपना ऑर्डर ऑफ पेमेंट पूरा हो गया। उसके बाद पीसमील का स्टेटमेंट बनाएंगे। अभी इसमें कॉलम्स है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स कैश के 2 कॉलम, टोटल क्लेम, क्रेडिटर्स, फिर इधर एज लोन आएगा, एज लोन के बाद एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, इनको फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाई, अभी रूलिंग करते हैं।
तो ये रूलिंग करके हो गया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बैलेंस ड्यू। बैलेंस ड्यू में अभी मॉर्गेज लोन नहीं आएगा, उसमें सबसे पहला क्रेडिटर्स आएगा और उसकी सेटलमेंट वैल्यू 4,000 है उतनी आएगी। फिर एज लोन 15,000 आएगा। फिर कैपिटल अपने को एडजस्टेड कैपिटल लिखना है। एडजस्टेड कैपिटल 55,000। फिर बाद में बी का 42,500 और सी का 25,500। तो ये क्लेम है और इनकी टोटल लेंगे टोटल 1,42,000 अपने को पे करने का है। अभी अपने पास कैश अवेलेबल है 3,000। में से सबसे पहले क्रेडिटर्स को 3,000 पे करेंगे। लेस पेड टू क्रेडिटर्स, तीन हजार। फिर 3,000 कैश में से जाएगा, 3,000 टोटल क्लेम में से जाएगा, 3,000 क्रेडिटर्स में से जाएगा। अभी ये कैश ख़त्म हो रहा है तो इधर नाम लिखेंगे बैलेंस ड्यू। बैलेंस ड्यू में कैश नील हो जाएगा। उसके बाद टोटल क्लेम 1,39,000, 3,000 माइनस करेंगे। क्रेडिटर्स 1,000 आएगा और बाकी के अमाउंट्स एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे। ओके, तो अभी इधर क्या है, कैश अपना क्लोज करेंगे, उसके बाद बाकी के कॉलम्स क्लोज करते हैं। फिर अपना कैश ख़त्म हो गया। अभी फर्स्ट रियलाइजेशन मिला है 5,000 जून 2013 को। फर्स्ट रियलाइजेशन जून 2013 को मिला है 5,000। अभी 5,000 में से सबसे पहला क्रेडिटर्स को 1,000 पे करते हैं। 1,000 बैलेंस बाकी है तो 1,000 कैश में से जाएगा, 1,000 टोटल क्लेम में से जाएगा, 1,000 क्रेडिटर्स में से जाएगा और फिर माइनस करेंगे। सबसे पहला कैश 4,000 आएगा, फिर टोटल क्लेम 1,38,000, क्रेडिटर्स नील हो जाएगा, बाकी के बैलेंसेस एज इट इज लेंगे। अभी क्लोज करते हैं। सबसे पहला कैश क्लोज करेंगे, उसके बाद बाकी के कॉलम्स को क्लोज करते हैं। फिर 4,000 बैलेंस है, 4,000 में से ए का लोन पे करेंगे। लेस पेड टू ए फॉर लोन, लोन को ए का लोन 4,000 रुपया पे करेंगे। 4,000 कैश में से जाएगा, 4,000 टोटल क्लेम में से जाएगा, 4,000 एज लोन में से जाएगा। अभी ये फर्स्ट रियलाइजेशन ख़त्म हो गया है तो नाम लिखेंगे बैलेंस ड्यू। अभी कैश अपना नील हो जाएगा। टोटल क्लेम 1,34,000 है। फिर एज लोन 11,000, बाकी का अमाउंट एज इट इज आ जाएगा। अभी इनको क्लोज करते हैं। सबसे पहले कैश को क्लोज करेंगे, उसके बाद बाकी के कॉलम्स। अभी फर्स्ट रियलाइजेशन अपना ख़त्म हो गया। सेकंड रियलाइजेशन मिला है जुलाई 2013 में।
सबसे पहला डेटर्स मिला है 15,000, स्टॉक मिला है 10,000, टोटल 25,000, अभी लोन का बैलेंस 11,000 बचा है, तो 11,000 लोन को पे करेंगे। लेस पेड टू ए फॉर लोन 11,000 पे करते हैं, तो 11,000 कैश में से जाएगा, 11,000 टोटल क्लेम में से जाएगा और 11,000 लोन से जाएगा। अभी माइनस करते हैं 14,000, फिर इधर 11,000 माइनस करके 1,23,000 और इधर डैश। अभी इधर सबसे पहला कैश क्लोज किया, इसके बाद बाकी के कॉलम्स क्लोज करेंगे। अभी ये जो बाकी के बैलेंस है ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अभी उसके बाद अपने को 15,000 बी को पे करना है। लेस पेड टू बी 15,000 है, लेकिन अपने पास 14,000 ही है, तो सबसे पहला 14,000 पे करेंगे, तो 14,000 कैश में से जाएगा, 14,000 टोटल क्लेम में से जाएगा और 14,000 बी में से जाएगा। और फिर अभी ये कैश ख़त्म हो गया, तो नाम लिखेंगे बैलेंस ड्यू, इधर आएगा नील, तो ये कैश अपना कम हो गया, क्लोज करेंगे। उसके बाद टोटल क्लेम अपना 1,23,000 से 14,000 माइनस किया, फिर बी का 42,500 में से 14,000 माइनस किया 28,500, और ए का और सी का बैलेंस एज इट इज आएगा। अभी ये बाकी के कॉलम्स क्लोज करते हैं, तो ये अपना सेकंड रियलाइजेशन ख़त्म हो गया। फिर थर्ड रियलाइजेशन अगस्त में है, डेटर्स ऑफ स्टॉक मिला है, थर्ड रियलाइजेशन अगस्त 2013। अब इसमें डेटर्स का मिला है 20,000, स्टॉक का मिला है 25,000, फिर इधर टोटल आएगा 45,000। अभी इसमें से 1,000 अपने को बी को देने का बाकी है। लेस पेड टू बी 1,000, अभी इधर 1,000 बी को दिया, ये 1,000 टोटल कैश में से कम हो जाएगा, टोटल क्लेम में से 1,000 कम हो जाएगा और बी के कॉलम में से 1,000 कम हो जाएगा। अभी ये हम लोग माइनस करेंगे, सबसे पहला कैश का 44,000 बाकी है, फिर इधर 1,09,000 में से 1,000 माइनस किया 1,08,000, और इधर ए का और सी का एज इट इज़ लेने का है, ए का एज इट इज़ लिया, बी का 27,500 आएगा और सी का एज इट इज़ लेंगे। तो अभी सबसे पहले कैश का कॉलम क्लोज करते हैं, फिर बाकी के कॉलम्स।
अभी पहला ऑर्डर ऑफ पेमेंट अपना बी का क्लियर हो गया, फिर दूसरा ए और बी को 6000 देना है 4:2 में, तो अभी 44,000 में से 6000 ए और बी को हम लोग देंगे, लेस पे 2 ए एंड बी इन 2:1, तो 6000 ए और बी को 2:1 में देंगे, 6000 कैश से कम हो जाएगा, 6000 टोटल क्लेम से कम हो जाएगा, और 6000 का 2/3 4000 ए को मिलेगा और 6000 का 1/3 2000 बी को मिलेगा। अभी ये माइनस करके 38,000 आएगा, फिर इधर 6000 माइनस करके 1,02,000 आएगा, फिर इधर 51,000, फिर 25,500 और इधर 25,500। तो दूसरा रूल, दूसरा ऑर्डर ऑफ पेमेंट फॉलो करने के बाद अपना ये रेशियो में आ गया, 25,500, 25,500 और 51,000, ये रेशियो में आ गया। अभी क्लोज करते हैं सबसे पहला कैश का कॉलम, फिर बाकी के कॉलम्स क्लोज करेंगे। अभी 38,000 है, ये तीनों को रेशियो में देने का है, लेस पेड टू ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, 38,000 सबको पे करना है, 38,000 कैश में से जाएगा, 38,000 टोटल क्लेम में से जाएगा, 38,000 का 2/4 19,000 सबसे पहला ए को पे करेंगे, 38,000 का 1/4 9,500 बी को पे करेंगे और 38,000 का 1/4 9,500 सी को पे करेंगे। अब ये रियलाइजेशन अपना ख़त्म हो गया, हेडिंग डालेंगे बैलेंस ड्यू, सबसे पहला कैश अपना नील हो जाएगा, फिर टोटल क्लेम 1,02,000 में से 38,000 माइनस किया, तो ये 64,000 है, फिर ए का 51,000 में से 19,000 माइनस करके 32,000, फिर बी का 16,000, सी का 16,000, तो ये अभी क्लोज करते हैं, सबसे पहला कैश का क्लोज करेंगे और फिर बाकी के कॉलम्स। अब ये थर्ड रियलाइजेशन खत्म हो गया, अभी फोर्थ रियलाइजेशन डेटर्स और स्टॉक का है। फोर्थ रियलाइजेशन सितंबर में हुआ है, डेटर्स स्टॉक, डेटर्स का मिला है 17,000, स्टॉक का मिला है 23,000 और स्टॉक बी ने लिया है, स्टॉक टेकन ओवर बाय बी 3,000, स्टॉक टेकन बाय बी 3,000 का स्टॉक बी ने लिया है, तो टोटल 43,000 आएगा। क्लोज करते हैं और 43,000 सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 43,000 कैश में से जाएगा, टोटल क्लेम में से जाएगा, 43,000 का 2/4 ए को मिलेगा 21,500, फिर 1/4 मिलेगा 10,750 और सी को भी 10,750 मिलेगा, फिर अपने को लॉस ऑन रियलाइजेशन आएगा। लॉस ऑन रियलाइजेशन इधर डैश आएगा कैश के कॉलम में, फिर टोटल क्लेम में आएगा 64,000 में से 43,000 माइनस करके 21,000, फिर ए का 32,000 में से
21,500 माइनस करके 10,500, बी का 16,000 में से 10,750 माइनस करके 5,250, और सी का भी 16,000 में से 10,750 माइनस करके 5,250। अभी इनको क्लोज करते हैं। सबसे पहला कैश का कॉलम ये क्लोज किया, फिर बाकी सारे कॉलम्स क्लोज करते हैं। तो बाकी सारे कॉलम्स क्लोज किए, ओके। तो अभी ये प्रॉब्लम अपना हो गया, ओके। थैंक यू।